नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। कर्जा पट्टी की जनता ने वर्तमान मुखिया पे लगाए काफी गंभीर आरोप। कहा, मुखिया जी विकास पे नहीं जातिवाद पे विकास किए हैं। पंचायत के लोगों का गंभीर आरोप है। आइए तो सुनाते हैं आपको कर्जा पट्टी की जनता का क्या आरोप है। कर्जा पट्टी पंचायत की 12 वार्ड का जगह है। अच्छा जी, पंचायत का चुनाव इस बार ठंड में है आपके यहाँ 15 तारीख को। जी, क्या लग रहा है पंचायत कितना गर्म है? पंचायत जो अभी गर्म नहीं है, ये छठ का पर्व जो है सो आने वाला है। हाँ। अभी जितना भी मुखिया जी का जो पंचायत कैंडिडेट है, मान लीजिए पंचायत का, हाँ, उस कैंडिडेट में इससे पूर्व में किशोर झा भी विकास का काम किए हैं, लेकिन अभी किए हैं, लेकिन सबसे अभी जो है युवा प्रत्याशी कर्जा पट्टी पंचायत के जो है, हाँ, अभय मंडल, अच्छा, वो लड़का इससे पिछले बार भी बहुत वोट लाया था, थोड़ा ही वोट से हो गया। अच्छा। और वो लड़का में एक सामाजिकता है, न्याय भी है, गरीब जनता के लिए वो लड़का हमेशा तत्पर रहता है। अच्छा। किसी का अगर खून का कमी हो गया तो वो लड़का खुद जाके DMCH में जाके रक्तदान करता है, नवजुवकों सबको भी कहता है कि आप ब्लड दीजिए। ये लड़का में है एक, हम लोगों का जो है सो और सब है। इसे पिछले साल जो है सो एक हमारे गांव का राजन देवी मुखिया था, तो पूरा जनता के साथ वादा किया था कि हम हाई स्कूल के लिए जमीन देंगे, 1,00,000 रुपया देंगे, लेकिन जनता को नहीं दरकिनारा कर दिया। और कोई भी पंचायत होता है तो वो निष्पक्ष भाव से नहीं आते हैं, मतलब एकदम बोल्डली जो पंचायत होना चाहिए, जो जायज होना चाहिए, वो उसमें वो पीछे रहते हैं। और अभी का जो समय आया है प्रत्येक जनता को वो जो सो पैसा दे के वोट खरीदने का काम। ये राजन देवी कौन है? ये मुखिया जी है, वर्तमान मुखिया है? नहीं, पूर्व थे। कब का, किस समय? ये जो है सो किशोर झा से पहले का, पहले का किशोर झा से पहले का जी। अभी नोट दे के वोट खरीदना जा रही है। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है जनता इस पर बदलाव करेगी? जनता एकदम बदलाव करेगी। किसके तरफ मुड़ेगी? कर्जा पट्टी में दो अभी नया प्रत्याशी है, एक है गोकुल कुमार और एक इस पार जो है अभय मंडल है। दोनों में अभी टक्कर है। इस टक्कर को दोनों पूर्व मुखिया तोड़ना चाहता है और चाहता है कि हम वोट जो है वोट बैंक को किसी तरह पैसे के हो या किसी तरह उसको जो है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, नाम क्या है बोलू ना? गंगीरा देवी। 5 साल हुआ है फिर से चुनाव शुरू हो गया, पंचायती चुनाव 15 तारीख के वोट डल गई। 5 साल में विकास भले है, ये किसका घर है? शत्रुघ्न मंडल का, रामेश्वर मंडल का। अच्छा, आप इसी घर में रहती हैं? तो इंदिरा आवास नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। हमारा तो राशन कार्ड नहीं बैठा है। इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला है? जब हमारा ससुर के नहीं दिलके तो हमारा सबके देते ऐठम आके तो लोग रहे चुतिया वाला, वह हमारा कायल को ना। हाँ। 10 गो लोग सुने छथिन हमारा एलखिन कहला वो की और पूजा कनिया ककरा वोट गिरेबे, मतलब हम अपना मन मर्जी वाला छी, हम ककरो आसामी में नहीं छी बसल। हाँ। हमारा जहाँ है तहाँ देवे हम गुप्त के दे। अच्छा, कौन बोला था कल, कौन बोला था ये आकर के? हम कल इनका रिश्तेदार है, ये देखूंगा रोज जाके, एक किशोर जाके ये देखूंगा। हमारा कोई नहीं किछ कह दिला, अंगना में या पानी जाए या गिर ली है। अच्छा। नाली से पानी आपस अंगना में जाए तो या घेर लिया। अच्छा। कोई जीवे से अपना ले हमरा लेने पर गरीब आके और कंट जाए कम। मुखिया जी कभी आके मिले हैं 5 साल में एक बार? हमारा सब तो कहियो नहीं मिला। काहे, घर तो बगल में है, कहियो नहीं मिला। आप कभी गए उनके पास कोई भी समस्या लेकर के? और गलिए समस्या हम नहीं बुझ गलिए। अच्छा अच्छा, क्या ठीक है, ये कौन सा जगह है? कर्जा पट्टी है ना। अच्छा, वार्ड नंबर पता है आपका घर कितना नंबर वार्ड में है? 3 नंबर में है। बाबा, किस चीज का दुकान है आपका? अच्छा, बिस्कुट बिस्कुट का। 5 साल में विकास हुआ है पंचायत में आपके इस 12 नंबर वार्ड में? वो अपने पार में किया है। अच्छा, इस बार में नहीं किया? क्या आप लोग कभी गए नहीं है मुखिया जी के पास कि आपका? ये है, नहीं सुना है। नाला बेगड़ देखिए सर, जो हम लोग पानी का नाला बेगड़ मर रहे हैं। नाला आज तक नहीं बनाया, अपने गांव में रोड बना लिया, नाला बना लिया, सब कुछ बना लिया। अच्छा। हमारे गांव में नहीं देखा। भेदभाव करते हैं क्या जी? अच्छा, इधर इधर किस तरह के लोग रहते हैं, मतलब जाति में कौन से लोग रहते हैं इधर? इधर यादव का पट्टी है। अच्छा, बैकवर्ड है जी, हम लोग पासवान है।
इधर कोई है महतो है। अच्छा, सामने साहू जी सब है। अच्छा जी, ये जादव का पट्टी हो गया। अच्छा, मुखिया जी का नाम क्या है? किशोर झा। क्या वो जातिवाद करते हैं? जी और... नहीं कर किया तब न पार नहीं दिया ना। अच्छा, कोई सामान। अच्छा हाँ, क्या नाम है आपका? बलदेव पास में। तो इस बार क्या कीजिएगा? इस बार नया को देखेंगे। क्या देखेंगे? कितने लोग हैं नया में? नया आप ये तो नहीं कह सकते सर कीजिए। नाम क्या है, कौन कौन खड़े हुए हैं? खड़े तो है कि अनंत साहब। अच्छा, अभय कुमार। अच्छा जी, पूर्वी में है। ठीक, किशोर झा एक और है, गोकुल कुमार। ठीक जी, आप युवा हैं, सबसे पहले बताएं आप करते क्या हैं? सबसे पहले मैं तो पढ़ाई अभी कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं? आपके पंचायत में चुनाव है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सोच समझ सकते हैं, शिक्षित हैं, क्या लग रहा है पंचायत में किस तरह की समस्याएं हैं या इस पाँच वर्षों में किस तरह का विकास हुआ है? सर, इस पाँच वर्ष में तो जैसा कि मेरा थिंकिंग है यहाँ तक सर, हमारे गंजा पंचायत 12 नंबर वार्ड में, और 12 नंबर वार्ड ही नहीं, हमारे पूरा होल जो विलेज है वहाँ पे कुछ भी मतलब कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख सकते ड्रेन व्रेन जैसे नाला वगैरह नहीं बना है, और काफ़ी शिक्षा के लिए हमें जो है इस मध्य स्कूल से मतलब हाई स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। अच्छा, आपके पंचायत में कोई हाई स्कूल है? नहीं सर, हाई स्कूल नहीं हमारे पंचायत में। हमारे जैसे कि पूर्व मुखिया थे अनंत साहब, जो वादा किए थे जैसे कि हाई स्कूल देंगे, बट वो अभी तक प्रोवाइड नहीं किए हुए हैं। फिर तो यहाँ की लड़कियों को भी 5 किलोमीटर जाना होगा। जी सर, 5 किलोमीटर जाके ट्रैवल करके हमारे गांव की लड़कियाँ हो लड़के हो जा करके पढ़ाई करने के लिए जाते हैं हाई स्कूल। क्या सब समस्याएं आती हैं जाने आने में? जाने में समस्या सर, 5 किलोमीटर आप जानते हैं, जिनके पास साइकिल है वो तो साइकिल तो प्रोवाइड करती ही है सरकार, तो वही साइकिल द्वारा जाते हैं। तो मेन सड़क होके जाना पड़ता है क्या? घटना दुर्घटना होके बिल्कुल जाना पड़ता है। घटना दुर्घटना का लड़कियों के साथ डर लगा रहता है? हाँ, ये बहुत डर लगा रहता है, हम पेरेंट्स को डर लगे रहते हैं, जो घटना कभी भी कुछ हो सकते हैं। लड़की है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश कुमार हुआ। ये कौन सा जगह है? ये चुटकी लाधा है। अच्छा, लाधा है? हाँ, करजापट्टी पंचायत है। करजापट्टी पंचायत है। कैसा रहा विकास 5 साल में? 5 साल में कोई खास विकास नहीं रहा, हम लोग बाढ़ से पीड़ित है, लेकिन उसका मुआवजा तक भी नहीं मिला। बाढ़ पीड़ित तरह घोषित हुआ है? बाढ़ पीड़ित मुखिया चाहेगा तब तक घोषित होगा। अब क्या पता एक ही जगह बाढ़ हो दो आदमी के घर में, इसीलिए मुखिया जी घोषित नहीं किए होंगे। नहीं नहीं, बात करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। इधर किस जात का लोग रहता है लाधा में? लाधा में अधिकतर कुशवाहा रहता है, बैकवर्ड रहता है। मुखिया जी क्या है? मुखिया जी ब्राह्मण है। अच्छा, इसलिए जातिवाद करते हैं? हाँ। तो इस बार चुनाव में क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग अभय सर के सपोर्ट में। अभय मंडल खुल्ले बोलना, डरिएगा नहीं भाई। नहीं नहीं डरेंगे नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। गोली मार देगा, कोई हमको खिलाता है, हम अपने कमाई के खाते हैं। नहीं नहीं, पंचायती चुनाव में तो सुनते मुखिया जी जो भी कैंडिडेट सब खिलाता है, खिलाता भी है, पिलाता, जो पीने वाला है जो खाने वाला है वो ना। मतलब इस बार नहीं बिकिएगा? नहीं, बिकना नहीं है, नहीं बिकिएगा। नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। आप बताइए कितना विकास किए मुखिया जी आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके समाज के लिए? उस पार में, अपने पार में बहुत विकास किया है, लेकिन इस पार में नदी से इस पार में टोटल बैकवर्ड, हर जन पिछड़ी जाति के लोग हैं, यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ। कुछ भी विकास नहीं हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ, सिर्फ ब्राह्मणवाद किए हैं, जातिवाद किए हैं, जातिवाद किए हैं। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप सत्य है, देख लीजिए जो इतना बाढ़ क्षेत्र पूरा का पूरा हो गया, यहाँ एक भी पैसा कोई उपलब्धि नहीं दिया है इतना बाढ़ आने के बाद। सर, ये बाढ़ का हटा देते, सड़क नल जल ये सब पे बताइए। नल जल में तो पूरा घटोला करके गए हैं मुखिया जी। वो तो वार्ड मेंबर करता है ना? वार्ड मेंबर मुखिया जी के अंदर में की बात है, वार्ड मेंबर किसके अंदर की बात है? वो तो सदस्य है। सदस्य है तो उन्हीं से कमीशन ले लेके काम करते हैं। सीधे बोल रहे हैं आप? तो सीधे क्यों नहीं बोले? डर नहीं लगता है मुखिया जी? डर क्यों लगेगा? 10 साल रहे ना? 10 साल रहे हैं, डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा? अच्छा, क्या नाम है आपका? रामफल महतो। अच्छा रामफल जी, इस बार फल किधर जाएगा? फल अभय मंडल के पास जाएगा। सीधे बोलिएगा। हाँ एकदम डायरेक्ट है। कौन सी जगह है? छोटी लाधा है। अच्छा, तो इस बार लाधा के लोगों में अपना वोट का जो जो होगा उनका कोठरी किस पे ला देंगे?
उस पर लाद दीजिएगा। अरे भाई भाई मुखिया जो 10 साल रहे होंगे उन्होंने कुछ तो किया होगा ना भाई, एगो दूगो तो वोट दीजिएगा। क्या होगा तो कहे अभिमंडल को सपोर्ट कर रहा है, कहे उसको वोट देगा। ये भी सवाल आपका सही है। जब बात 10 साल रहे मुखिया जी कुछ नहीं किया आपके तरफ, छकौती कितना दिन चल जाएगी, ठक छकौती। अच्छा मुखिया जी यहाँ कितना दौड़ा किए होंगे 5 साल में 10 साल में? वोट के समय आता है तभी। अच्छा वोट के समय आता तभी, तब ये जयराम जी, जयराम जी की। अच्छा मुखिया जी ने अगर अपना विकास किया होगा तो कितना विकास किया होगा अपना विकास? वो हम अपना विकास उस पार में किया है तो कितना किए सो हम उधर गए हैं थोड़े, हम जाते हैं उधर। अच्छा उधर आप नहीं देखे हैं, इसका बदलाव करना है कर्जा पट्टी में? देखिए कोशिश किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। हाँ ये बात सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिमरन। जो इस बार पंचायती चुनाव हो रहा है आप लोग का क्या है बदलाव? बदलाव करना है, परिवर्तन करना है? परिवर्तन करना है काहे भाई? काहे विकास का कार्य में बाधा पड़ रहा है। किसके तरफ से? जनता की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से? अच्छा कैसा विकास आपको चाहिए कि जो इस बार बदलाव चाह रहे हैं? हम लोगों का विकास चाहिए, सबसे पहला विकास तो हम लोग जल निकासी होना चाहिए। हाँ जल निकासी के बाद हम लोग किसान है, किसान सरकार से कुछ मदद हम लोगों को रिलीफ भी नहीं मिला और एक अभी तक फसल भी नहीं लगा है। अच्छा एक बात बताइए, काम नहीं बताइए, यहाँ के लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर, खेती पर निर्भर और यहाँ सब्जी की खेती भी शुरू होती है। अभी तक पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, कैसे हो? क्या लग रहा है आपको वहाँ का? सरकार अगर चाहे तो बना दे। पंचायत का बताए, उधर राज्य सरकार पंचायत का बताए कि पंचायत में मुखिया जी ने कितना विकास किया? मुखिया जी हम लोगों के लिए कुछ विकास नहीं किया इस बार के लिए। अच्छा जो कुछ विकास किया है तो उसी बार किया है, उसी बार विकास किया है। इस बार क्या कहा है, इस बार के लोगों को कहा है छोड़ दिए? इस बार के लोग यहाँ पावन बैठवाद का बात। अच्छा यहाँ जातिवाद का बात, जातिवाद का बात। क्या नाम है? पंचायती चुनाव है तो कौन सा क्षेत्र है? और पंचायत पंचायत वार्ड 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 नंबर वार्ड हो गया ये 13। यहाँ का किसान मर गया, यहाँ का किसान का जितना खेती पथारी था सब डूबा हुआ है, एक भी नहीं। यहाँ जो नरेंद्र मोदी वाला 6000 मिलता था सो भी नहीं दिया, कहीं का नहीं है यहाँ का किसान, साफ फसल मारा गया है। अच्छा पंचायती चुनाव में 5 साल में मुखिया जी ने कितना विकास किया ये बताइए जरा पहले। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, काहे कुछ नहीं हुआ? किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला? इंदिरा आवास हम लोग को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, क्या किया टूटाप, जिसको पास में कुछ नहीं है, घर टूटा हुआ है, पानी में भीग रहा है रात का गरीब आदमी, अब उसको कुछ नहीं। क्यों नहीं? वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन? हाँ वृद्धा पेंशन मिल रहा है पहले पहले से। क्यों विकास नहीं किया मुखिया जी, क्या कारण? मुखिया जी इधर क्यों नहीं विकास किए इस क्षेत्र में? अच्छा इस बार पंचायत चुनाव होने वाला है, किस तरह आपका बदलाव है? तो समय आने पर, गरीब समय आने पे नहीं रुकेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। नाम से क्या बना रहे हैं आप लोग? बना रहे हैं आप लोग जाफरी। आपका घर कहाँ है? चुटकिलादा। चुटकिलादा में? अच्छा बाढ़ आया था, क्या स्थिति थी बाढ़ में? बाढ़ पूरा स्थिति खराब है, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, बोला कि जैसे फॉर्म भर के तो 6000 में मिलेगा, वो भी नहीं, कुछ नहीं मिला। मुखिया जी ने कैसा विकास किया आपके क्षेत्र में? कुछ विकास नहीं किया हम लोग का, उनका गाड़ी तो बहुत घूम रहा है, देखो ना हम लोग का छुलगाम कोई विकास नहीं किया है। मुखिया जी आए हैं कि नहीं? एक कोबारा आया था, कल बुला आया था। क्या बोला? क्या बोला? हम लोग नहीं बोले उसको, नोटिस गए, कोई बात नहीं बोला, कोई बात नहीं बोला। कैसा बदलाव कर रहे हैं? नहीं इस बार मुखिया बदलना है क्या? बदलना नहीं है। अच्छा क्या बदलना है भाई?